मेरी बात सुन लो, तुम सारे कान खोल के टाइट सिक्योरिटी कर लो, बिलियन डॉलर का सामान है यहाँ पे, समझे गलती, और तुम सबकी मौत, वरना माइकल टाइम आ गया है, रॉबरी का जल्दी जाओ, बाकी बंदे भेज रहा हूँ मैं, दिक्कत नहीं लेना, सब कुछ प्लान के हिसाब से होना चाहिए, समझे कोई गलती नहीं, टाइट सिक्योरिटी है वहाँ पे। हाँ, एक बार आने तो दे उन्हें, उसके बाद पहनूंगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई। यार तू भी डन लेस्टर, कैसी बातें कर रहा है। तो फिलहाल गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ बेस में मैं आ चुका हूँ, लेस्टर और अंडरवाटर माफिया से मैं मिल चुका हूँ। साथ ही साथ लेस्टर ने कहा है कि भाई तेरे कपड़े आ चुके हैं, ये कपड़े मुझे पहनने हैं दोस्तों, ठीक है, ये वाले इस बैग में ये कपड़े हैं गाइस, ये कपड़े मुझे पहने। और इतना ही नहीं, मैं आप लोगों को बता दूं गाइस, वेपन्स भी हमारे आ चुके हैं। अब बस दिक्कत यही है कि मैं यहाँ से किस में जाऊँगा। तो वो गाड़ी लेने गए हैं गाइस फ्रैंकलिन और ट्रेवर, इन दो बंदों को हमने भेज दिया ना, तो आप समझ जाओ ये लेट करेंगे ही करेंगे। पर भाई इनको फोन कर दिया कि हमने जल्दी जल्दी आ जाओ, कि वी आर ऑलरेडी टू लेट, अंधेरा हो चुका है बाहर। जब मैं घर से निकला था, जब अंधेरा नहीं था दोस्तों, मेन सीन यही है। अब काफ़ी लोग कहेंगे कि थोड़ा भाई अंधेरा तो होने, तो अच्छा खासा 11-12 बजे बजने, तो फिर काम करना ये, तो भाई हम वही वेट कर रहे हैं अब, ठीक है दोस्तों। शुरुआत पहले हमने सोचा शाम के टाइम कर देंगे, थोड़ा अंधेरा होते ही फिलहाल ने पूरी प्लानिंग वगैरह करी कि भाई अभी जो हैकिंग वगैरह ये करने वाले हैं, जिससे कि आसपास के पुलिस वालों को कंप्लेन ना हो जाए, साथ ही साथ एक भी कॉल उस एरिया से हम कर ना पाए। इतना ही नहीं दोस्तों, सारे कैमराज हमें हैक करके लूप पे लगाने हैं, उसका काम हो चुका है। देखो अब अगर डगन बोस अपने घर से देखेगा गाइस फोन पे कि चल क्या रहा है, सिक्योरिटी सब काम कर रही है, उसको दिखाएगा सिक्योरिटी सारा अच्छी तरह काम कर रही है, पर असली काम होगा गाइस वो कैमरा लूप होगा। बिल्कुल सही गाइस, एक वीडियो हमारी रिपीटेड दिखती रहेगी और पीछे से हम उनके बंदों को मार देंगे। ये सारी प्लानिंग है, एक चीज ये डन हो गई है बस, ठीक है। अब ये देख रहे हो गाइस, 1, 2, 3, 4 ये 4 क्रेट लाने में ना बहुत ऐसी तैसी हो चुकी है भाई। लेस्टर मुझे यही कह रहा था कि बहुत ही तगड़ी सिक्योरिटी हो चुकी है, और पहले वेपन्स थे, अब हम पूरे खाली खुली हो गए। तो ये 4 क्रेट्स ये गाइस, जिसमें हमारे वेपन्स वगैरह, मैं अभी आपको खोल के भी दिखा दूँगा कैसा क्या सीन है क्या नहीं, इसको खोलेंगे हम, वेट कर रहे हैं एक बार उन दोनों को आने का, ठीक है। जब तक मैं सोच रहा हूँ कपड़े वगैरह पहन ही लेता हूँ गाइस, और क्या, कपड़े पहन के निकलूंगा। और ये रहे हमारे बॉडीगार्ड्स सारे के सारे, ठीक है, इनकी बातचीत करने दो, इन्हें हमें इनसे अभी कोई मतलब नहीं है, ये बैकअप टीम के लिए ही गाइस मैंने रेडी कर रखे। तो वेट करते हैं भाई, फटाफट वो आ जाए, जब तक मैं आपको वो कपड़े पहन के दिखा देता हूँ जो पहन के मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, ठीक है, लेट्स गो। ओके दोस्तों, तो फाइनली मैंने अपने कपड़े वगैरह पहन लिए जो मुझे दिए गए थे। जिमी कह रहा है कि पिताश्री मस्त लग रहे हो भाई, ये क्या कपड़े क्या हैं ये देखना, मुझे समझ से ही नहीं आ रहे। पर हाँ, इतना तो देखा जा रहा है भाई, ये कपड़े ना गाइस काफ़ी ज़्यादा हैवी से मेरे को फील हो रहे हैं। और लेसर ने कहा है कि भाई तेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, और तेरे को गोलियों से भी ये बचाने वाले हैं। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ से निकलने के लिए रेडी हूँ। और साथ ही साथ गाइस फ्रैंकलिन ट्रेवर भी आ चुके हैं, फ्रैंकलिन को काम दिया गया है जो लेस्टर ने, वो ये काम कर रहा है हैकिंग वगैरह का। खुद लेस्टर नीचे चले गए क्योंकि गन्स की वो पेटी खोल दी गई है, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देख तो अब सारा सीन हो ही गया है, लंबी लंबी सांसें लेनी है। और इतना ही नहीं गाइस, थोड़ी सी फिटिंग लिटल ढीली है, पर चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब मेन सीन ये है, ये वाली गाड़ी ये लेके आया गाइस, ठीक है, इस गाड़ी में मैं जाने वाला हूँ, और एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है। ये देखो दोस्तों, ये वाली गाड़ी है जिसे ये लेके आया मेरे लिए, ये जंक वाली गाड़ी लेने गए थे ये भूतनी के, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। पर जो भी है भाई, एक चीज़ देख रहा हूँ मैं इस गाड़ी में, सिक्योरिटी तो इसमें भी है, सिक्योरिटी क्या आप कह सकते हो, बिल्ड क्वालिटी भी देखो, लोहा इतना तगड़ा, और मेरे को गोलियां नहीं लग जाए, इसलिए बेहतरीन थोड़ी सी गाड़ी है भाई। नॉर्मल गाड़ी में तो एकदम से बुझ के आऊँ उसी सब ब्लास्ट, और यहाँ पे लोहे की ग्रिल्स वगैरह लगी हुई है, इसीलिए सारा इंतजाम हुआ है गाइस। इतना ही नहीं, जो पेटियाँ मैं आपको दिखा रहा था वो फाइनली ओपन भी कर दिया, ये देख लो गाइस, 1, 2, 3, 4 4 पेटी लाने में बहुत टाइम लग गया। और देखो ट्रैवर कितना खुश हो रहा है भाई, गन्स खोल के भी बैठ गया एक, क्या बात है।
लेस्टर मैं तैयार हूँ, और मुझे पता है जो तूने कहा है, लेस्टर ने मुझे इतना कहा है दोस्तों, अगर मुझे 1% भी लगे कि नहीं भाई ये प्लान के मुताबिक काम नहीं चल रहा है, मेरे को भाई ऐसा खतरे का चांसेस भी लगे, मैं सीधा फरार हो सकता हूँ, मेरे को ट्रेवर ने ये कहा है, साथ साथ लेस्टर ने भी यही कहा है। ठीक है दोस्तों, ट्रेवर कह रहा है कि मैं साथ में चलता हूँ, मैंने इसे मना कर दिया, पर इसने बोला है कि अपना ध्यान रखियो भाई, बड़ी मुश्किल के बाद हम कोई ऐसा तगड़ा काम करने जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ दोस्तों, लेस्टर मैं निकलता हूँ। ठीक है, अरे हाँ भाई मैं अपना वो पहनना भूल गया गाइस, ऊपर से आर्मर थोड़ा सा, क्योंकि भाई आर्मर भी तो चाहिए ना भाई मेरे लिए, आर्मर सूट के ऊपर, इस सूट के ऊपर भी गाइस एक और आर्मर है और इसके अंदर भी एक आर्मर है, आप देखो कितना तगड़ा है। ठीक है गाइस, ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, फटाफट अपना वो ले आता हूँ गाइस, ऊपर से आर्मर पहन लेता हूँ और फिर आप लोगों से मिलता हूँ। ये तो अलग ही कांड हो जाता है, मैं आर्मर पहनना भूल जाता भाई अभी तो, और मैं यूँ चले जाता ऐसी ऐसी जाती भाई, इसने मुझे कहा आर्मर पहन फटाफट, तो फटाफट पहन के आपसे मिलता हूँ। मुझे पता है मेरे भाई, दिक्कत मत ले, ठीक है मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। तो फाइनली भाई लेस्टर मुझे भाषण दे रहा है, सब कुछ आराम से करियो, तो वो भाषण भी क्या ही बोलना, वो मुझे समझा ही रहा है दोस्तों। ठीक है, ये आर्मर मैंने पहन लिया, और इतना ही नहीं दोस्तों, मेरे पास दो गन है फिलहाल, आप देख सकते हो, एक पिस्टल जिसमें लगा है सप्रेसर, ठीक है, मेरे को बोला है कि भाई सप्रे वाली ज़्यादा यूज़ करियो, अगर लगे कि भाई मसला हो चुका तो ये वाली गन निकाल के, और इस वाले में गाइस एक फ्लैश लाइट भी है जिससे अंधेरे में मैं सारा काम कर पाऊँ, क्योंकि मेन बात है हम रात को जा रहे हैं दोस्तों, बस बातचीत यही है, अगर दिन का काम होता ना फिर तो मैं दोनों में सप्रेसर लगवा के चले जाता, पर चलो कोई दिक्कत नहीं है गाइस, अपनी दोनों गन्स आप देख सकते हो डन है। ये तो अपना ये सीन देख लिया, ट्रेवर टाइम पे आ जाइयो मेरे भाई, ट्रेवर ट्रक लेके आएगा गाइस, सारा सामान लोड होगा, वही सीन है। और प्लान क्या है, ठीक है, ये गाड़ी लेके मैं जा रहा हूँ, और ये गाड़ी लेके जाना है गाइस मुझे LS कस्टम तक, ठीक है, वहीं पे मेरी गाड़ी ये खड़ी रहेगी, मैं बिल्कुल वहाँ करीब पे नहीं लेके जाने वाला ये गाड़ी, और ये गाड़ी LS कस्टम पे खड़ी रहेगी गाइस। उसके बाद का सीन क्या है, LS कस्टम के ऊपर गाइस वहाँ छत पे एक बंदा मेरा वेट कर रहा है हेलीकॉप्टर लेके, बिल्कुल सही, हेलीकॉप्टर से ही गाइस मुझे जंप लगानी है। ठीक है गाइस, पैराशूट मुझे भाई ड्राइवर ने लाके दे दिया है, अब उससे ही मुझे जंप लगानी है गाइस, और फिर पैराशूट खोल के मुझे उसकी छत पे कूदना है, छत पे कूदने के बाद फिर मुझे अपना काम करना है, इसलिए सप्रेसर वाली पिस्टल ही गाइस मैं लेके जाने वाला हूँ। वेट अ सेकंड, ये कैसी गाड़ी है, साइडों से फ्लेम निकल रहे हैं, पर चलो कोई नहीं गाइस, आप खुद देखो ना भाई, अंधेरा हो चुका है, अलग ही लेवल का सीन हो गया है, आई डोंट नो भाई, थोड़ा डर भी लग रहा है वैसे तो दोस्तों, क्या सीन होने वाला है क्या नहीं, मेन तो डर यही है सब कुछ काम अच्छी तरह हो जाएगा या नहीं, बस एक चीज़ ये है मेन डर। तो चलो फटाफट गाइज LS कस्टम चलते हैं, जो बंदा हमारा हेलीकॉप्टर पे वेट कर रहा है ना गाइज उसके पास चलते हैं, मेन सीन वही है, वही हमारा वेट कर रहा है, ये देखो भाई यही सीन होने वाला भाई, कुछ भयंकर सीन ना हो जाए, कितनी तेज भाई देखना भाई, बंदे देख रहे हो गाइस कितनी तेज आंखों में लाइटें मार रहे हैं इनकी भैंस की टैट। तो फटाफट LS कस्टम चलता हूँ, फिर फाइनली दोस्तों लोकेशन में मैं बस पहुंच ही चुका हूँ, मेरे को उल्टा जाना पड़ गया था बीच में, क्योंकि मैं स्टिकी बूम लाने अब भूल गया था भाई, इतनी जल्दी में सब चीज़ें प्लानिंग हुई है ना गाइस, और ऊपर से ये बारिश और स्टार्ट हो चुकी है, आप खुद देखो दोस्तों क्या हो गया है, ये गाड़ी मैं यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ, और कौन सा बंदा हमें हेलीकॉप्टर से लेके जाने वाला है उसका भी पता चल चुका है, लमार, बिल्कुल सही दोस्तों, फ्रैंकलिन का दोस्त के लमार के बारे में तो आप लोगों को सबको जानकारी है गाइस, तो वो मेरा ही वेट कर रहा है। तो चलो भाई हेलीकॉप्टर की भी आवाज़ मेरे पास आ रही है गाइस, ये बस मुझे उस बिल्डिंग के ऊपर तक लेके जाएगा, बाकी का काम गाइस मुझे अपने आप संभालना है, देखते क्या होगा क्या नहीं, लेट्स गो। अब LS लॉस सैंटोस जो आपको पता ही है गाइस, ये रहा LS कस्टम के ऊपर वाली बिल्डिंग यही है, और ये रहा हेलीकॉप्टर, ओके ये यहीं पे ही मेरा वेट कर रहा है भाई, ऊपर चढ़ते हैं, लेट्स गो दोस्तों। तो इस हेलीकॉप्टर में मैं जाने वाला हूँ, और ये रहा अपना लमार भाई, लमार भाई आई एम रेडी, लेट्स गो। चलो अरे रे रे तेरी भैंस की टैट, फिसल गया दोस्तों मैं, ओ रे एक तो वैसे ही गाइस थोड़ी थोड़ी टेंशन हो रही है कसम से, ऊपर से ये सीन हद हो गया वैसे तो, ओह भाई देखना कितना झूठे वर्ग का मुंगवा रखा इन्होंने वैसे सोदा पानी दो, ओह भाई साहब। तो लेट्स गो दोस्तों यहाँ से निकलते हैं, लमार भाई फटाफट लेके चल भाई मुझे, लेट्स गो दोस्तों। हाय रे देखा जाएगा जो होगा, सो वक्त तो प्लानिंग प्लूनिंग हो गई, जो होगी थी गाइज एट अ टाइम यही होता है, रात का टाइम हो रहा है और हमें ये रातों रात ये काम करना है भाई, हो जाए ना, क्या बेइज्जती होने वाली है डगन की, आप भी देखोगे दोस्तों अलग ही टाइप का मजा आ जाएगा। चलो भाई अब भाई जल्दी लेके चल यार, ढीला आदमी है भाई ये लमार तो, वैसे दोस्तों आप देख सकते हो, ठीक है यहीं से मुझे जंप लगा देनी चाहिए। चलो भाई हम तो ठहरे परदेसी भाई, हमने अपना पैराशूट खोल लिया गाइस आप देख सकते हो, अब भाई पता नहीं लेस्टर ने क्या प्लानिंग बनाई, बोल रहा है भाई नीचे से नहीं जाना है, तो ठीक है भाई अब उसकी भी बात माननी पड़ेगी दोस्तों, ओके बिल्कुल आराम से होली होली जाएंगे दोस्तों, ठीक 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 ये थोड़ा सा भाई मेरे को लग रहा मसला हो गया हमारे साथ,
हम थोड़ा बहुत गाइस गलत चले गए हैं, पर एक सेकंड नहीं, हो गया सही आ गया। ओके फाइनली गाइस आप देख सकते हो हम ऊपर की साइड चढ़ चुके हैं इस बिल्डिंग के, गार्ड मुझे दिख रहे हैं। मेरे पास है गाइस ये वाली गन आप देख सकते हो जिसमें लगा हुआ है सप्रेसर, ठीक है मैं तो पूरा रेडी हूँ। अब इनको एक साथ मारूँ भैंस की टैट कुछ, एक बार रुक जाओ ऊपर देख लेता हूँ और कोई भाई बॉडी गार्ड्स वगैरह इनके है तो नहीं, नहीं भाई और वगैरह तो मुझे कोई दिख नहीं रहा है, तो लेट्स को यही काम करते हैं फटाफट दोस्तों। इसकी भैंस की टैट ये लो, ओके तो गाइस देख रहे हो उस बॉडी गार्ड, ओके अरे 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 भाई ने पता चल गया भाई, लो भाई ऐसी तैसी हो चुकी है इनकी भैंस की, सप्रेसर वाली गन का फ़ायदा ही क्या हुआ, तुम्हारी भैंस की टैट ये लो भाई। तो देख सकते हो गाइस इन बॉडी गार्ड को पता चल चुका है कि हम यहाँ पे आए हैं, इनकी भैंस की आ ना बेटा आ, इतना ही बस किया कि तेरी सासू की जय हो, ठीक है यहाँ का तो सारा भाई देख सकते हो मामला क्लियर हो चुका है। अब मेन है गाइस हमें सीओ रूम में एंटर करना है जो कि भाई लेसन ने मुझे बोला है, ठीक है ठीक है ठीक है आप भाई बॉडी गार्ड भाई, ओके तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ का सीन हमने कर दिया है और इतना गंदा पेला है बॉडी गार्ड को भाई, ये तो पगला ही गया है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है यहाँ और तेरी भैंस की टैट, अंदर भी इतनी सिक्योरिटी चल तेरी एक्सेसी, लेट्स गो लेट्स गो। ओ हो मेरे पास इतना तगड़ा सूट है ना गाइस जो लेसन ने दिया है, तो ये मुझे इतनी भाई मार ही नहीं सकते जिस हिसाब का सीन है, क्योंकि इसमें गाइस आर्मर उर्मर सब कुछ है। लेट्स गो ठीक है से क्या होगा बेटा, निकल गया तुम्हारा जो फाफड़ा जलेबी निकलना था। लेट्स गो गाइस अब देखो यहाँ का इतना सीन तो मुझे पता है, ओके इधर कोई नहीं है, ठीक है अब इतना मुझे पता है गाइस कि सीओ रूम कहाँ है, वहीं पे फटाफट चलते हैं, ठीक है यहाँ पे अपन का कुछ भी काम नहीं है, सीओ रूम पे ये मुझे एंटर करना है और वहीं से उसने मुझे बताया कि कहाँ पे घुसना है कहाँ पे नहीं। लेट्स गो यहाँ पे अपना कुछ नहीं है, यहाँ से हमने एंट्री करी है, वो रहे गाइड ये लो भैंस की टैट तुम्हारी ऐसी तैसी गार्ड्स। ओके ये वाला रूम भी मेरे ख्याल से खाली है गाइस, देख लेते हैं यहाँ पे कोई भी नहीं है, ये वो रूम है जहाँ पे एग्जीबिशन होने वाला है दोस्तों, और एग्जीबिशन तो अब क्या ही होगा तुम्हारी भैंस की टैट। लेट्स गो गाइस ये देखो गाइस इनको भी मैंने डाउन कर लिया और मेरे को अपनी सप्रेसर वाली गन ले लेनी चाहिए, तुम्हारी भैंस की टैट तुम्हारी, ओ भाई इसने देख लिया तेरी ऐसी ऐसी। लेट्स गो गाइस ये बंदे भी डाउन, अब मैं मेन यहाँ से नहीं घुसा नहीं तो सारे के सारे अलर्ट हो जाते और ये भूतनी का कहाँ से गोली मार रहा है तेरी ऐसी ऐसी। ओके ये ले बेटे फाइनली गाइस ये सारे के सारे मैंने डाउन कर दिए हैं। ओके रीलोड एक सेकंड मुझे आवाज़ आई कोई रीलोड कर रहा है, चलो कोई नहीं अपनी दूसरी वाली गन निकाल, नहीं नहीं ये वाली चला लेते हैं अभी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं गाइस। ओके आ मुन्ना ये ले और तेरी भैंस की टैट, ये सारे बंदे गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे खड़े हैं, ये भैंस की टैट इन्हें आवाज़ें आ चुकी है गाइस जिस हिसाब से ये खड़े इनकी भैंस की टैट, आ जाओ ना बेटो बस इतनी बस किया थारी। ओके छुपेगा तो गाइस देख रहे हो कैसे छुप रहा है ये बंदा, चलो कोई नहीं मेरी एंट्री तो बिल्कुल सही हो चुकी है जिस हिसाब से मैं चाहता था, अब बाकी का देखते हैं गाइस क्या काम होने वाला है क्या नहीं। ठीक है इस साइड भी कोई नहीं है, लेट्स गो तेरी भैंस की टैट गोली चलाएगा भाई, छुपके से वो गोली चलाने पे लगा था भाई मेरे पे। ओके यहाँ का ऑल क्लियर गाइस, अब यहाँ पे तो भाई जब मैंने देखा था यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं थी, अब देख लेता भाई कोई नए सिक्योरिटी भाई उन्होंने खड़े तो नहीं कर दिए हैं, क्योंकि जब तो यहाँ पे ओके यहाँ पे भाई बंदा एम लेके खड़ा था दोस्तों, इसको भी मैंने उड़ा दिया है, चलो भाई यहाँ का भी पिटारा खत्म। ओके चलो 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 लेट्स को आगे की साइड बढ़ते हैं सीओ रूम की तरफ भाई, सीओ रूम यहीं से ही है ठीक है। ओके यहाँ पे एक भी गार्ड नहीं है भाई, आपने देखा था गाइस पहले जब मैं दिन में आया था चेकिंग के लिए यहाँ पे गार्ड्स ही गार्ड्स थे, अब यहाँ पे कोई भी नहीं है। लेट्स गो ठीक है इसकी ऐसी तैसी सीओ रूम ये रहा गाइस सीओ रूम, अरे रे 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 एक सेकंड तुम्हारी भैंस की टैट, इनको ख़त्म ही कर देता हूँ इससे पहले कोई भाई इधर उधर जानकारी भेज देना भाई, यहाँ पे भाई बंदे बंदे घुस गए वहाँ देख रहा है भाई, इसको लग रहा है मैं वहाँ से आऊँगा गाइस मैं पीछे की साइड से घुस चुका हूँ। ठीक है भाई यहाँ का मामला क्लियर है मेरे ख्याल से, एक बार दोबारा देख आते हैं क्योंकि एक भी बंदा यहाँ पे जिंदा रहना नहीं चाहिए। चलो भाई यहाँ का हो चुका है ओके सारा मामला यहाँ का क्लियर, अब आगे की साइड चलते हैं गाइस। मेन सीन यही है ये सीओ रूम और यहाँ से मुझे बोला था कि भाई उसने यहीं पे है वो सीक्रेट रूम का रास्ता, एक सेकंड मेरे ख्याल से यहीं से है गाइस ये सीओ रूम, क्योंकि आप देख सकते हो यहीं पे बाहर लिखा हुआ है ये देखो सीओ रूम। अब यहाँ पे ये दरवाज़ा मेरे ख्याल से तोड़ना पड़ेगा तेरी भैंस की टैट, लेट्स गो इसकी भैंस की टैट। ओके एक सेकंड ये कैसा रास्ता भाई, सीओ रूम का एक डोर यही है भाई, इसके अलावा एक सेकंड भाई कहीं और कुछ कांड तो नहीं है, मैं गलत रूम तो नहीं घुस गया, सीओ रूम यही है भाई, पर यहाँ तो कुछ ऐसा सीन मुझे दिख ही नहीं रहा है।
यहाँ कोई और दरवाजा है नहीं और दूसरे रूम में भाई, और डगन इसी रूम में था गाइस, आपको इतना याद हो गई, मेरे ख्याल से मेरे को वहीं घुसना है, पर वहाँ से कौन सा रास्ता जा रहा है भाई, कहीं उस लेसन ने हमें झूठ तो नहीं बोला, पर वो हमें झूठ क्यों बोलेगा, हमने तो उसे पकड़ रखा है। ए वेट 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 गाइस, आप देख रहे हो ये खुल रहा है, ये भैंस की टैट, यहाँ कुछ तो है गाइस, ये कहाँ आ गया भाई, यही है वो सीक्रेट जगह मेरे ख्याल से गाइस, ये दरवाजा खुल चुका है, लेट्स सी कि यहाँ क्या है आखिरकार। मैं ये वाली गन ले लेता हूँ अपनी, ये वाली गाइस सप्रेसर वाली, क्योंकि मैं नहीं चाहता भाई बंदे अलर्ट हो जाए, ठीक है चुपचाप जाएंगे, मुझे नहीं पता रास्ता जा कहाँ रहा है, क्या सीन है क्या नहीं, ये कैसा रास्ता है भाई अंडरग्राउंड। ओके ओके, सामने की साइड एक बंदा है, ओ तेरी भैंस की टैट, ये गैस भी लीक हो चुकी है, और इस बंदे ने गोली चला के भाई इसने मेरे को देख लिया गाइस, जिस ये अभी भी गोली चला, ओ भाई लो ऐसी तैसी हो चुकी है, मेरे को दूसरी गन निकालनी पड़ेगी। ओके यहाँ अंधेरा है थोड़ा सा, ये हमारी भैंस की टैट, ये ओ भाई किस हिसाब से बंदा आ रहा है गाइस, आप देख सकते हो तुम्हारी भैंस की टैट, तुम भाई 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 ये बंदा नहीं जीने दे रहा भाई, ये देख लो गाइस कितने तगड़े बंदे भाई, सिक्योरिटी गार्ड इसने रखे हुए हैं भाई ये डगन ने, पर ये डगन की सिक्योरिटी भी ऐसी नहीं है, इसकी भैंस की टैट, वो बंदा भाग कर रहा है भाई, आप देख लो गाइस एक सेकंड, अरे भाई 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 मुझे थोड़ा सा छुप के रहना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पाइप में भी छेद हो गया भाई, ये कहाँ घुस रहा हूँ मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा, और ये देखो भाई बंदा वहाँ से मुझे गोली चलाया जा रहा है, तुम्हारी भैंस की टैट, ये लो भाई लेट्स गो, अरे रे रे भाई कुछ भयंकर सीन है भाई, एक बंद भाई मैंने एक सेकंड, वो देखो गाइस बंदा एक सेकंड, ओके मैंने इसको भी उड़ा दिया है, पर एक बंदा यहाँ घुसा है भाई, मेरी आंखों के सामने बंदा घुसा है, और मेरे को छठे नंबर पे एंट्री करनी है, पर जिस हिसाब से आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे एक बंदा है, मुझे इसे डाउन करना पड़ेगा सबसे पहले भाई, इसे डाउन करना पड़ेगा, तेरी भैंस की डैड, वो बार बार छुप जा रहा है भाई, थोड़ा सा भैया ये बंदा एडवांस वाला मामला लग रहा है गाइस मुझे इसका। ओके मैंने फ्लैश लाइट चला दी अपनी, चुपचाप एंटर करूँगा, और इसे ही नहीं पता, एक सेकंड स्टिकी बम यूज कर लूँ, पर नहीं यहाँ कोने में छुपा है वो, तेरी भैंस की टैट, ये लो भाई, ओ ये गाइस वो अंदर की साइड छुप चुका है, अभी रास्ता जा कर है मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, अंदर ही घुसा है वो बंदा इतना मुझे पता है, ठीक है तेरी भैंस की टैट, कहाँ गया भाई वो बंदा, गया कहाँ है दोस्तों, ये गेट कहाँ खुला, तेरी भैंस की टैट, तेरी भूतनी का, ये ले भाई इसके पित्तल भर दिया गाइस मैंने, आप देख सकते हो भाई साहब, आया बड़ा भाई मेरे को मारने के लिए, और ये रास्ता भाई कोई प्लानिंग वगैरह वाला रूम है भाई मेरे ख्याल से, कोई नहीं मेरे पास कैमरा अटैच है जिससे लेस्टर सब कुछ देख रहा है, वो सब तो काम हो जाएगा, लेट्स को आगे की साइड चलते हैं। अब मुझे नहीं पता भाई मेरे को छठा नंबर बोला है लेस्टर ने कि छठे नंबर में घुसना है, छठा नंबर ढूंढते हैं गाइस कि छठा नंबर है कहाँ भूतनी का, छठा नंबर छठा नंबर, ठीक है मैं यहीं से, ये जगह जा कहाँ रही है मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है भाई, और ये अंडरग्राउंड जगह है, ठीक है गाइस देख सकते हो, तीसरा दूसरा पहला छठा ये वाला मुझे बोला गया है, लेट्स गो, लेकिन छठे से घुसने से पहले मैं एक बार देखना चाहता हूँ कि इनमें चीज़ें क्या हैं, सबसे पहले गाइस मैं पांचवे में घुस रहा हूँ गाइस, ठीक है देख लेते हैं क्या सीन होने वाला है क्या नहीं, पता तो होना चाहिए किस में क्या सीन चल रहा है आखिरकार भाई ये, ठीक है ओके गाइस यहाँ पे वेपन्स ही वेपन्स हैं जो कि हमारे काम आ सकते हैं, पांचवे नंबर पे वेपन्स है गाइस, ठीक है अलग अलग चीज़ें बना रखी है, ओके ये तो भाई पूरा हमारा काम आने वाला है गाइस, लेट्स गो आगे की साइड चलते हैं, ठीक है पांचवे नंबर से फटाफट बाहर निकलते हैं गाइस, और आगे की सीन देखते हैं कि क्या है क्या नहीं भाई, ये एरिया तो ओ गोलियों की आवाज़ आ रही है, गोलियों की आवाज़ आ रही है गाइस मेरे को अभी, आप देख सकते हो यहाँ पे मोस्टली बंदे तो हमने डाउन कर दिए, और जैसे मैं पैरासूट से उतरा था मेरे को भाई एक बारी को लग रहा था कि कहीं दिक्कत वगैरह ना हो जाए, तेरी भैंस की टैट, ओके ठीक है गाइस आप देख सकते हो ये है चौथा नंबर, चौथा नंबर लोक है क्या, नहीं चौथा नंबर लोक नहीं है, यहाँ पे बंदा है भाई जिस हिसाब से मैं अंदर नहीं जा पा रहा, पीछे की साइड गाइस वहाँ पे बंदा भी है, उसे भी मैं डाउन करूँगा कोई दिक्कत नहीं है, पर इस वाले में भी तो चेक करें क्या सीन है क्या नहीं, ये भाई ऊपर की साइड रास्ता जा रहा है भाई, मैं यहीं से तो नहीं घुसा था, ओके ये रास्ता जा कहाँ रहा है, अच्छा गाइस एक सेकंड मैं यहीं से तो घुसा था, ये वो वाला है भाई, ओके मतलब ये अलग अलग डिफरेंट रास्ते मेरे ख्याल से भाई एस्केपिंग के लिए ही बना रखे उसने जो भी है, और बंदा भाई एक बाहर घूम रहा है गाइस आप देख सकते हो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है कोई नहीं बेटा जाने जाने तो मैं दूंगा नहीं कहीं भी तुम्हें, तुम्हारी भैंस की टैट, अच्छा ये देख रहे हो गाइस ये बंदा कहाँ घूम रहा है, इसकी बाकी कमरे तो हम बाद में देखेंगे दोस्तों, पहले यहाँ का देख लेते हैं, ये छठे रूम में ही मेरे ख्याल से मैं एंटर कर रहा हूँ, इसकी भैंस की टैट, ओके गाइस आप देख सकते हो तेरी भूतनी के, ये ले तेरी ऐसी ये लो, ओके भाई साहब ये देख रहे हो क्या सीन है गाइस, इस बंदे को भी मैंने पित्तल भर दिए हैं,
और छठा कमरा यही है। मेरे को यहाँ पे स्टिकी बॉम्ब लगा देना चाहिए गाइस। ओके यहाँ पे उसने बोलता 4 स्टिकी बॉम्ब कम से कम लगाने, और ये लोकर टाइप की जगह भी मुझे लग रही है। लेट्स गो 1 2 3 4। भाई साहब मेरे ख्याल से खुल गई होगी, नहीं खुली क्या? खुल तो जानी चाहिए थी भाई। 2 और लगा देता हूँ दोस्तों, 1 2 3 4। तेरी भैंस की टैट, अब तो खुली गई होगी गाइस मेरे ख्याल से। चगाइए भाई साहब मेरे ख्याल से दोस्तों अब ये खुल गया होगा, क्योंकि मैंने स्टिकी बम तो लगा दिया। एक और फोड़ देता हूँ, भैंस की टैट। ओ खुल गया, खुल गया भाई, खुल गया। एक सेकंड भाई तेरी ऐसी तैसी, हल्के में ले रहा मुझे। ये लो भाई इसके भी पित्तल भरी, वो एक सेकंड। ये लो भाई इसके भी भाई मैंने खोपड़े में पित्तल भरी दिए दोस्तों, आप देख सकते हो। चल तेरी ऐसी तैसी। और मैं यहाँ एंटर कर चुका हूँ दोस्तों, आप देख सकते हो भाई साहब। चल तेरी ऐसी तैसी। ओके तेरी भूतनी के, इस गार्ड के भी गाइस मैंने मार दियो। और यहाँ पे पड़ा है भाई पैसा, जिस चीज के लिए दोस्तों हमने ये सारा का सारा काम करा है, आप देख सकते हो। ओके मेरे ख्याल से इस टाइम कि हमें फ़ोन कर देना चाहिए भाई फटाफट ड्राइवर को, कि वो वहाँ से निकल आए दोस्तों, ठीक है। और ये देख रहे हो यहाँ पे गाइस, यहाँ पे भी पैसे हैं, यहाँ भी पैसे और यहाँ भी पैसे हैं, और वहाँ भी चीज़ें पड़ी हुई है, वो देख लेता हूँ भाई मैं, ठीक है। लेट्स गो, अपना तो सारा काम हो गया भाई, ठीक है। यहाँ पे भी गाइस कैसी कैश पड़ा, और इन लोकरों में भी कैसी कैश लोडेड है। और यहाँ पे गाइस ये देख रहे हो, यहाँ भी कैसी कैश, गोल्ड 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 डायमंड्स तक पड़े हुए हैं भाई, जो कि हम सोच रहे थे। और आप लोग बोल रहे होंगे कि भाई ये तो डगन का माल, भाई डगन ने भी गाइस मैं सच बताऊं ये चोरी के माल है सारा का सारा, जो कि अब हम डगन से चुराने वाले। तेरी ऐसी तैसी भूतनी के। ओके गाइस मेरे ख्याल से टाइम आ चुका है, और अब अपना यहाँ का तो सारा काम हो गया गाइस, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फटाफट ये सब कुछ कलेक्ट करना है। मैं फटाफट फ़ोन कर देता हूँ भाई, ठीक है, ड्राइवर को, और देखता हूँ भाई वो कितनी देर में आएगा कितनी देर में नहीं। तो फाइनली दोस्तों मेरी बातचीत हो चुकी है, और उन्होंने कहा कि ड्राइवर यहाँ से निकलना है, पर लेस्टर ने कहा कि पहला नंबर क्लियर कर। अब पहले नंबर में ऐसा क्या है भाई, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है पहला नंबर क्लियर करने को क्यों बोला है भाई। भाई इतना तो भाई मैंने मोस्टली तो बाकी चीज़ें कर ही दिया दोस्तों, आप देख सकते हो। पहला नंबर है कहाँ भूतनी का, ये लगा इस पहला नंबर, अभी तो मैंने यही नहीं देखा किसमें क्या सीन है, मेरे को पहला नंबर बोला गया है तो पहला नंबर करेंगे। और फटाफट ड्राइवर आएगा दोस्तों, फिर ड्राइवर के साथ ये सब चीज़ें कलेक्ट करके मुझे अंदर लोडेड करनी है। कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी बात। अरे 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 ये भैंस की टैट, तेरी भूतनी के, इसी की तरह यूं ही बैठा रहा है अब भाई, पीछे से मार रहा है सूर का बच्चा। लेट्स गो दोस्तों, अपना तो मामला क्लियर है। अंदर लाइटिंग थी तो भाई मुझे ऐसा कुछ लाइट्स वगैरह अपनी गन की चलाने की जरूरत नहीं पड़ी दोस्तों। तेरी भूतनी के, अब मुझे थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, ये एरिया कौन सा है। तेरी भूतनी के, हमसे पंगे लेंगे भाई ये सूर के बच्चे, हद ही कर रहे हैं भाई, कसम से थोड़ा तो डरना चाहिए बंदे को कम से कम दोस्तों। नहीं डर ही नहीं है बिल्कुल भी, कसम से लिटर लिटर तो डर होना चाहिए ना भाई। ओके ये स्टेयर्स कहाँ जा रही है भाई। ओके चुपचाप जाऊंगा। ओ 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 माय गॉड, ये कहाँ आ गया मैं, पता नहीं दोस्तों ये कौन सा एरिया है, क्या सीन है क्या नहीं, बस देखते हैं क्या मामला है क्या नहीं, ये कहाँ हूँ का मैं, ये क्या घत्ती है। तेरी भैंस की डेड, बंदा है गाइस यहाँ, तेरी भूतनी के पर्दे के पीछे से मार रहा है। वेट अ सेकंड गाइस, सामने की साइड बंदा, मुझे थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। अरे भाई यहाँ एक नहीं बहुत बंदे हैं दोस्तों, इसकी भैंस की टैट ये ले भाई साहब, यहाँ इतने बंदे होंगे मुझे नहीं पता था। अच्छा जब ही सोचूं मुझे एक नंबर क्यों बोला गया है दोस्तों। चल भूतनी के ऐसी तैसी तेरी। फाइनली गाइस यहाँ के बंदे भी डाउन है, एक बंदा इसलिए बोला गया ताकि हम अपना ट्रक यहाँ तक लेके आ जाए, और नीचे से सारा माल ऊपर लेके यहाँ से मामला लोड कर लें। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ महंगी महंगी पेंटिंग्स वगैरह भी है, और मेरे ख्याल से ये भी उठा लेंगे तो काफ़ी सही रहेगा। और पेंटिंग के साथ साथ काफ़ी अलग अलग चीज़ें भी हैं भाई। और आप एक चीज़ देखो भाई, ये जगह कैसी है। सब लोग सोचेंगे कि ठीक है भाई इतना ही हो, एक मिनट ऊपर क्या है, मुझे ये भी देखना पड़ेगा दोस्तों। ऊपर कोई बंदे वगैरह तो नहीं है, क्योंकि पहला नंबर मुझे पूरा अच्छी तरह क्लियर करना है। ऊपर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और लेस्टर वगैरह ने पूरी हैकिंग की मदद से सब कुछ कैमरा लूप पे लगा रखा है, शेर की खाल भाई साहब। चल तुम्हारी ऐसी तैसी, यहाँ भी प्लानिंग्स वगैरह भी भाई इन्होंने बना रखी है, ये सारी हम देखेंगे क्या सीन है क्या नहीं। पर एक चीज़ आप ये देखो दोस्तों, ये ऐसी जगह डगन ने सेलेक्ट कर रखी है ना भाई,
जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। ये देखना, ये एरिया है, यहाँ से एक रूम है, हद है, और हम बाहर पता नहीं अलग ही जगह पे है। मेरे को एक बारी पहचाननी पड़ेगी जगह कौन सी है दोस्तों। वेट अ सेकंड, कहीं से गोली चल रही है, कहीं से तो गोली चल रही है दोस्तों, कुछ तो भाई अलग ही सीन है। ये गोली चल कहाँ से रही है मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही। और ये देखो गाइस, ये हम बाहर आ गए, ये एरिया कौन सा मुझे ये देखना है। एक सेकंड, सुबह होने का, सुबह हो रही है भाई। और ये सामने वो जगह है गाइस जहाँ पे उसका वो है आर्ट गैलरी। भाई गोलियाँ चल रही है गाइस, गोलियाँ चल रही हैं। मेरे ख्याल से मुझे ऊपर वाला एरिया क्लियर कर लेना चाहिए गाइस, ठीक है। फटाफट ऊपर वाला एरिया क्लियर करता हूँ। जब ही मैं लेस्टर को बोलता हूँ कि भाई तू निकल वहाँ से, और ड्राइवर को, ठीक है, ड्राइवर वैसे ट्रक लेके आएगा भाई, लेस्टर को मना ही कर देता हूँ, वो क्या करेगा लगना यहाँ आके गाइस। मेन सीन तो यही है, ठीक है। तेरी भैंस की डैड, देख लो गाइस बंदे कहाँ तक आ रखे हैं। ये देखो इसकी भैंस की डैड, वो रही आर्ट गैलरी। और यहाँ पीछे इसने ये सीन बना रखा है अंडरग्राउंड, कितना खुदाई करवा रखी है भाई। एक चीज ये देख रहे हो दोस्तों आप, अलग ही काम कर रखा भाई इसने, अलग ही काम। यू थोड़ी डगन कहते हैं दोस्तों, इतना शरीफ बंदा है नहीं है, पर इसको ये नहीं पता कि इसके साथ क्या हो गया रातों रात दोस्तों, ठीक है। अलग ही सीन हो चुका है, यही है हमारा जलवा। प्लानिंग के हिसाब से अभी तक सब कुछ सही जा रहा है, बस फटाफट ये सारी चीज़ें ट्रक में लोड करके यहाँ से सारा मामला निकलवाना है गाइस, ठीक है। ये देख रहे हो यहाँ के भी मैंने बंदे सारे के सारे कर दिए हैं। मतलब भाई लेस्टर और फ्रैंकलिन नहीं होते तो मेन से नहीं हो जाता भाई, डगनों को पता चल जाता कि भाई ऐसा कुछ भी हो गया इसके इलाके में। पर इन दोनों की वजह से रिकॉर्डिंग लूप पे है, इन्हों लग रहा है सिक्योरिटी भाई अपने मस्त काम कर रहे हैं भाई अच्छी तरह, पर उन्हें ये नहीं पता कि भाई हम अभी तक यहाँ पे सारा का सारा ऐसी तैसी करके चले भी गए हैं दोस्तों, ठीक है। बस ये देखो भाई, ये बंदे ने मेरे पीछे से गोलियाँ चलाई, पर इसको मैंने इसी बंदे के साथ यहीं बिठा दिया। तो फटाफट गाइस ड्राइवर आ जाए और फिर हम आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है। ओके, और मुझे फटाफट सारा माल यहाँ से लोड भी करना है, ठीक है, सब कुछ करके मिलते हैं आपसे। तो फाइनली दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, ड्राइवर यहाँ पे आ चुका है, हमने सारा का सारा सामान लोड कर दिया, पर भाई चाहते हुए भी हमें वो चीज़ नहीं कर पा रहे, और वो है गाइस जो ये पेंटिंग्स वगैरह और भी चीज़ें उनको नहीं ले जा पा रहे हैं। मेन सीन ये है गाइस, ड्राइवर और मैंने पूरा अंदर की साइड से वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, चीज़ें ऐसी तैसी मार दी है। मतलब कल डगन बोस यहाँ अपना एग्जीबिशन नहीं कर पाएगा, इतना तो मैं आपको 100% कह सकता हूँ। और बाकी का सीन मैं आप लोगों को बता दूं गाइस, पीछे मैंने बैग में भी अपनी चीजें डाल ली, और साथ ही साथ मेरे पास जो ये आप देख सकते हो ये सूटकेस ब्रीफ के जो भी कह दो, इसमें भी गाइस मैंने और चीजें डाल ली है। और ट्रक में भी भाई हमने बड़ी मुश्किल से सारा मामला पानी लोड करा है दोस्तों, सही में मतलब इतना हो गया ना सामान, क्या ही बोलूं। नीचे हमने उसका एक एक डायमंड, एक कैश तक नीचे नहीं छोड़ा भाई, सब उठा लिया दोस्तों। मेन सीन तो वो था हमारे लिए, और हाँ एक ये भी था कि एग्जीबिशन की ऐसी ऐसी कर दे, और वो हो चुकी है गाइस। अब डगन जब उसको पता चलेगा कि ये सीन हो गया है, वो एग्जीबिशन की तैयारी करवा रहा था कल, दीवारें साफ करवा रहा था, और आज देखो गाइस क्या हुआ क्या नहीं। ये सारी चीज़ें मैं ले जाना तो चाहता था, पर लेस्टर कह रहा है टाइम आ चुका है यहाँ से निकलने का। बिल्कुल सही दोस्तों, और सही में टाइम आ चुका है यहाँ से निकलने को, और हमें यहाँ से लॉस सैंटोस से बहुत दूर की साइड निकल जाना है। और इतना गोल्ड, इतना कैश उठाने में भाई ऐसी तैसी तो हो चुकी है। सामने की साइड आप देख सकते हो गाइस, पूरा का पूरा ट्रक लोडेड है। ड्राइवर फाइनली टाइम पे आया, सारा काम हमने कर दिया। और आप एक चीज़ देखो गाइस, ठीक है, अभी आप यहीं से देख रहे हो पूरा का पूरा मामला पानी कैसे लोडेड है भाई। आप देखो पीछे पैसे, अभी ये दिख रहा है ना, इसके पीछे और सीन है। ये देखो डायमंड्स वगैरह, ये गोल्ड वगैरह, ये सारा का सारा सीन है। ड्राइवर भाई फटाफट इसे बंद कर मेरे भाई, लेट्स गो। ड्राइवर फटाफट इसे बंद करने वाला है दोस्तों, और मैं बैठता हूँ इस ट्रक में, क्योंकि ये ट्रक हमें लेके जाना है गाइस यहाँ से निकाल के, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से निकाल के इस ट्रक को हम ले जाएंगे सैंडी सोर्स की तरफ, जहाँ पे भाई वो सोच भी नहीं सकता, ठीक है दोस्तों। चलो वो बंद कर रहा है, मैं बैठता हूँ ट्रक के अंदर, लेट्स गो मेरे दोस्तों। ओ ये थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ मैं ट्रक को, आओ भाई साहब क्या मजा आने वाला है, कसम से दोस्तों नेक्स्ट लेवल भाई साहब। ओके, तो फाइनली दोस्तों ट्रेवर ने पीछे से ये ट्रेलर भी बंद कर दिया है अपना, मोस्टली सारा काम हो चुका है अब सुबह होने से पहले, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। और आपको पता है भाई जब बारिश हो रही थी मैं यहाँ पे घुसा था, और अब सीन ही अलग हो चुका है बिल्कुल, ठीक है। लेट्स गो भाई, ट्रेवर भाई भी बैठ चुका, और इसको निकाल के अब हम यहाँ से लेके जाने वाले हैं। अब काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि भाई बीच में पुलिस वाले तुम्हें ना रोक ले, इसमें क्या लेके जा रहे हैं क्या नहीं, इसीलिए हमने ये डिसाइड किया है कि हम हाईवे से ये नहीं लेके जाने वाले हैं। इस चीज़ के गाइस दिक्कत भी हमें हो सकती है, वो ये है कि भाई पतले रास्तों में
एक तो ये लोडी ट्रक हम चढ़ा देंगे, चलो उसका भी एक चिन्ह देखा, पर भाई पतले रस्तों में फंसने का डर है भाई, मेन सीन यही है। अब देखते हैं जैसा भी होगा वो सब आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ये तो है भाई, ये क्या, ये भाई इतना भारी भरकम लोड है गाइस, और ये ट्रक थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल सा हो रहा है, मेन सीन यही है भाई। ये पतले रास्तों में ले जाना थोड़ा सा हमारे पीछे टास्क है। फ्रैंकलिन वाली गलियां आपने देखी ना गाइस, उन्हीं गलियों से हमें ये ट्रक ऊपर चढ़ाना है भाई। हम अपने अरे भाई ब्रेक भी नहीं लग रहे इस ट्रक के तो, अरे ये क्या सीन हो रहा है भाई, कुछ ज़्यादा ही माल लोड कर दिया। देखो हम यहाँ पे बेस में क्यों नहीं रख रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न ये है, हम नहीं चाहते ये सारा का सारा सामान गाइस यहाँ पे रहे। इसलिए भाई मामला यही उसने कहा है कि मुझे इस ट्रेलर को फटाफट लेके फरार हो जाओ तुम फटाफट। और मेन सीन ये, लेस्टर काफ़ी ज़्यादा खुश है, फ्रैंकलिन खुश है, अंडरवाटर माफिया खुश है कि हमने जो ये प्लानिंग बनाई भाई ये फाइनली काम कर गई। और मेन सीन ये है ना गाइस, अगर मैं मेन गेट से जाता क्या पता कुछ कांड, और तेरी भैंस की टैट, कुछ कांड वगैरह हो जाता। इसलिए कल जो मैंने सीन कराया, अपना भेस बदल के अंदर गया, सारा चीज़ें पता करी कहाँ पे कितने गार्ड्स है, क्या क्या सीन है। नहीं तो भाई अगर मैं बिना प्लानिंग के जाता सीओ रूम ढूंढने में मेरी ऐसी हो जाती, सीओ रूम है कहाँ, पर अब मुझे पता था तो सब कुछ मुझे आसानी से गाइस हमने ये काम कर ही दिया। इसीलिए चलो प्लानिंग हमने थोड़ी ही करी, पर कम से कम करी तो उस चीज़ का फ़ायदा दोस्तों हम लोगों को मिल गया, वो चीज़ तो आप लोगों ने देख ही ली ना। ठीक है भाई, तो ये भारी भरकम ट्रक आप खुद देखो ना भाई, इतना बड़ा ट्रक इतना सा, और ट्रेलर इतना बड़ा सा, और ये पूरा का पूरा ट्रेलर भरा पड़ा है पैसा, सोना, डायमंड्स। अब आएगा असली मजा, डगन बेचारा सोता ही रह गया अपने घर में अपने बॉडीगार्ड्स के हवाले, और उसको ये नहीं पता उसके पीछे हमने क्या कांड कर दिया क्या नहीं दोस्तों। भाई साहब मतलब यार उसका तो तोता बन गया गाइस, ठीक है आप कह सकते हो डगन का फुद्दू काट दिया हमने बड़े भयंकर तरीके से गाइस, उसने सोचा भी नहीं होगा उसके साथ ऐसा होगा। उसी के लेस्टर को, फेक लेस्टर को पकड़ के हमने इतनी चीज़ें निकलवाई, नहीं तो हमें क्या पता चलता भाई ऐसा सीन भी है कुछ, इसने यहाँ अपनी चीज़ें छुपा के रखी हुई है। देख लो गाइस मतलब फ़ायदा तो हमें हुआ भाई, इतना उसे टॉर्चर करा, जितनी हमने बर्फ़ की सिल्ली मंगवाई और उसको नंगा लेटाया, फ़ायदा तो हमें हुआ कि अंदर की चीज़ें हमें पता चल गई कि क्या चल रहा है क्या नहीं, नहीं तो भाई मामला गड़बड़ वाला हो जाता। और आप खुद देख सकते हो गाइस सुबह का टाइम होने वाला है, और सही टाइम पे हम अपना सारा काम करके पूरी रात गंवा के वहाँ से निकल गया। ज़्यादा टाइम तो भाई सामान लोड करने में लग गया, जिस हिसाब का ये गोल्ड था ये सारा सीन, तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं गाइस और फिर आप लोगों से मिलते हैं। सामान इतना लोड है ना गाइस, ये जो ट्रक है ना पीछे की साइड से भाई उचक जा रहा है, मेन सीन तो ये हो रहा है जैसे हल्का हल्का सा जंप सा आ रहा है, भयंकर वाला भयंकर सीन तो हो ही रहा है। तो चलो यहाँ से निकलते हैं भाई और क्या। तो फाइनली दोस्तों प्लान में हो चुका है थोड़ा चेंज। अब चेंज क्या हो गया और क्यों है पहले मैं आप लोगों को बता दूं। पहले हम इस ट्रक को लेकर जाते हैं पैल्यूटो पे, प्लान में चेंज हुआ है कि भाई साहब हम लेके जा रहे हैं इसे सैंडी सोर्स। इसके पीछे का रीज़न ये है गाइस, क्योंकि अब आप देख सकते हो सुबह हो चुकी है, टाइम आप देख लो भाई 5:40 हो गए हैं भाई, अब 5:40 हो चुके हैं, कांड हो चुका है। तो हमारा प्लानिंग ये है, ड्राइवर कह रहा है कि मेरे सामने वाले लेक में इस ट्रक को घुसा देते हैं। अब आप लोग बोलोगे इसको घुसा क्यों रहे हो भाई, क्योंकि अभी हम थोड़ा चाहते हैं मामला थोड़ा शांत हो जाए, फिर इन चीज़ों को हम निकालने वाले हैं इसीलिए। तो ड्राइवर भाई लेट्स गो, तो यही करेंगे, फ्रैंकलिन और लेस्टर को भी ये प्लान सही लगा, और अंडरवाटर माफिया को भी, तो फिर यही करेंगे भाई और क्या, अब क्या कर सकते हो। और इसके घर के सामने हम करने वाले हैं, तो भाई इसके बंदे वहाँ देखते रहेंगे कि कुछ कांड वगैरह तो नहीं हो रहा, मेन सीन यही है, नहीं तो पैल्यूटो पे कौन देखेगा भाई क्या चल रहा है क्या नहीं। और मेन रीज़न ये है गाइस, पैल्यूटो पे में हम इसे फेंक भी देते हैं ना, वहाँ पानी इतना ज़्यादा है कहीं बह के ट्रेलर निकल ना जाता, क्योंकि भाई पानी के बीच में कोई आएगा बेशक कितनी भी भारी चीज़ हो, पानी किसी को भी खिसका के कहीं भी ले जा सकती है दोस्तों, इसलिए हमने ये डिसीज़न लिया है। अब देखते हैं, ओ भाई साहब इतना बड़ा ट्रेलर है, एक तो इसे ऊपर चढ़ाने में बहस की ऐसी कैसी हो जाती है दोस्तों। और हम ना इतने में पैल्यूटो पे पहुँचेंगे ना और सुबह हो जाएगी, और हम चाहते नहीं कि भाई यहाँ बीच रास्ते में कोई पुलिस वाला हमें पकड़ ले, इसलिए दोस्तों हमने एक तो हाईवे अवॉइड करे है, वो तो आपको पता ही है दोस्तों, नहीं तो हाईवे वाला रास्ता होता तो मैं इसे पैल्यूटो पे भी इसे आराम से ले जाता। और एक तो ये ट्रक की ऐसी ऐसी हो जा रही है, इतना भारी भरकम ट्रेलर उठाने में मतलब लगे पड़े हर जगह से लगे पड़े दोस्तों, इतना तो आपको कहना ही पड़ेगा। ठीक है चलो कोई नहीं, अब यहाँ से हम निकल गए भाई, तो ये पहाड़ी रास्ते, चलो कोई नहीं ओवरटेक करना पड़ेगा, ओवरटेक तो कर लूँगा, मेरा ट्रेलर इसको ठोक रहा है भाई, ओके उसकी गाड़ी पलट गई है दोस्तों, पर चलो कोई नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती है। ओ 120 की स्पीड में अगर मैं ये ट्रक चलाऊंगा तो ये सब काम होगा, अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है गाइस, आप देख सकते हो रोडों का काम चलवा रही है यहाँ की सरकार करवाने, तो हम बड़ा कुछ कांड कूड कर रहे हैं, हम तो अपना काम करने जा रहे हैं वही करेंगे और क्या। ठीक है अब अरे 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 थोड़ा सा ट्रक की भैंस की टायर भी दे, थोड़ी सी भाई आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है हल्का सा भगा के दोस्तों, पर हाँ मैं इसको खींच के भी तो मीटर चल रहा हूँ भाई, जिस हिसाब से मैं इसे भगा रहा हूँ ना दोस्तों, ये
सही है भाई, इतना कंट्रोल में है, नहीं तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, देखना अलग ही सीन हो जाता है। इस ट्रक को ट्रेलर यूँ हिलता है पीछे से, पूरा यूँ पलट हो जाता है दोस्तों, तो थोड़ा संभल के चलाना पड़ता है जो भी सारा सीन है। अब यहाँ से मैं आप लोगों को बता दूँ 4 किलोमीटर के अप्रोक्स है भाई जहाँ हमें जाना है, तो फटाफट भाई निकलते हैं। सामने की साइड आप देख सकते हो भाई, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह का जो काम कुम चल रहा है, पहले ही हमने ATC सीजन ले लिया होता ना तो भाई अभी तक तो हम ये काम कर भी देते, पर चलो कोई नहीं गाइस, लेट ही दिमाग चला तो चला तो सही कम से कम, नहीं तो हम पैल्यूटो बे में फेंकते, और क्या पता पैल्यूटो बे में जाने में कोई हमें पकड़ लेता बीच रास्ते में, कुछ कह नहीं सकते ना दोस्तों। इसीलिए सब चीज़ अब जो सोच लिया सोच लिया दोस्तों, लेट्स को फटाफट इसको लेके चलते हैं भाई। हट जा गाड़ी आगे से, नहीं तो भूतनी का ऐसे मार दूँ, चढ़ा दूँगा इसकी गाड़ी, कुछ नहीं रहेगी भाई। पर चलो कोई नहीं, फटाफट चलते हैं गाइस और फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो फाइनली दोस्तों बस पहुँच चुके हैं भाई, यहाँ तो सूरत तो बैस की कदी टाटरी के ऊपर आ गया भाई, पर चलो कोई नहीं। सैंडी सोर्स वाले भी सोच रहे होंगे भैंस की डैट, और मेरे को तो अपना ट्रक ना थोड़ा सा पेल के लेके जाना है भाई, इसने मुझे बोला, इसलिए गाइस मेन फोकस मेरे को यहीं रखना है थोड़ी सी स्पीड, ताकि ये ट्रक भाई बीच समुंदर में जाके गिरे भाई। ओके भाई साहब, ये लो गाइस, ये सारा गोल्ड डायमंड से भरा हुआ और जिसमें पैसे है गाइस, ये ट्रक हमने पानी के अंदर फेंक दिया। आजा भाई लेट्स गो। चलो भाई ये काम हो चुका है, और ये जो मेरे पास ब्रीफ केस है, और ये जो मेरे पास ये पीछे आप बैग देख रहे हो, ये सारा चीज़ तो मैं अपने साथ लेके जाने वाला हूँ, ठीक है। अब ड्राइवर पीछे से आ ही रहा है दोस्तों, अपना हो चुका है काम, और यहाँ पे इसके बंदे देखते रहेंगे कहीं कुछ कांड वगैरह तो नहीं हो रहा, और इसके घर के सामने है ये सारी सीन, तो भाई इतना कोई टेंशन टूंशन वाली भी कोई चीज़ है नहीं दोस्तों। तो लेट्स गो, स्पीड ये हमने इसलिए तेज रखी थोड़ा सा गहरे एरिया में जाए, क्योंकि ये आसपास वाला एरिया आप खुद देखो, यहाँ इतना पानी नहीं है जितना बीच में पानी है। इनको निकालेंगे हम तसल्ली से निकालेंगे, इस चीज़ की दिक्कत आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं लेनी है दोस्तों, जब भी निकालेंगे आपको दिखाएंगे, पर कितनी क्या क्या चीज़ें वो सब तो आप लोगों ने देख ली। सुबह का सुनहरा सूरज हमारी, देखो सुनहरे सूरज की किरणें हमारी आंखों में पड़ रही है, और आज की ये नई सुबह है गाइस हमारे लिए एक हिसाब से। ये पूरी रात हमने भाई निकाली है, कैसे निकाली है वो सब आप लोगों को पता है गाइस, ठीक है, और लेस्टर को पता है, मेरे टीम के बंदों को पता है कि पूरी रात हमने क्या करा है क्या नहीं। हमारे लिए तो आज की सुबह बहुत तगड़ी है, पर बिल्कुल गाइस डगन बोझ के लिए आज की ये सुबह बहुत ही खतरनाक होने वाली है। पर एक चीज़ समझ नहीं आई, भैंस की टैट, ये डगन की सिक्योरिटी क्यों नहीं खड़ी है वहाँ से, और बंदे क्यों खड़े करवा रखे, जो कि भाई नेक्स्ट लेवल, उन्होंने डगन की सिक्योरिटी इतनी तगड़ी नहीं है, मेन सीन ये है। और यहाँ से गाइस बीच इस पानी में मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पे अपना वो ट्रेलर है। अब ये क्या करने वाला है ड्राइवर रोहन को भाई एक चीज़ बोल देगा कि भाई ट्रेलर पर ना एक तगड़ी सी लोहे वाली जो वो नहीं होती गाइस, एक रोड सी बांध के रखें कि भाई ट्रेलर खिसके नहीं ज़्यादा, क्योंकि भाई पानी तो यहाँ पे भी है ना, क्या पता भाई कुछ कांड कूंड ना हो जाए इसीलिए दोस्तों। पर चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें थोड़ा कैश है, ठीक है, और इसमें थोड़े डायमंड्स वगैरह हैं, बाकी के डायमंड्स उसी में ही हैं, और गोल्ड वगैरह भी इस वाले ब्रीफ केस में है, कोई दिक्कत नहीं, अब सारा काम हो ही गया दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, होप करते हैं आप सबको मेरी आज की वीडियो में मज़ा आएगा, मज़ा आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना दोस्तों, ठीक है, फटाफट ये सब काम कर दो, और कैसी लगी हमारी आज की वीडियो ये भी बताना। मिलते हैं आपसे अगली एक ब्रांड वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, चंगा फिर अगली वीडियो मेरे प्यारे दोस्तों।